न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी के पत्रकारों की एक बैठक आज सेक्टर 1 स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित की गई। इस बैठक में मौजूद सभी पत्रकारों ने जिला प्रशासन के उन अधिकारियों के नकारात्मक रवैया को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया जिनकी ओर से पत्रकारों के खिलाफ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा था। सभी पत्रकारों ने एक सुर में जिला उपायुक्त सहित अतिरिक्त जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी के साथ नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से पत्रकारों के प्रति बरती जा रही भूमिका की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं इस दौरान पत्रकारों द्वारा जिला प्रशासन की ओर से मिलने वाली तमाम खबरों का भी बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। इस मौके पर पत्रकारों ने प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रेवाड़ी का मीडिया लगातार सरकार और प्रशासन का प्रचार प्रसार करने में पीछे नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी मीडिया के कार्यों में लगातार बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने जिला स्वास्थ्य अधिकारी की भी कड़े शब्दों में निंदा की जिनकी ओर से अस्पताल परिसर में बोर्ड लगाकर तस्वीरें लेने पर पाबंदी लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन ऐसा करके स्वास्थ्य विभाग की कमजोरियों को दबाना चाहता है। ऐसा ही रवैया जिला शिक्षा अधिकारी व नगर परिषद अधिकारियों के द्वारा भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में अगर जिला प्रशासन की ओर से अपना रवैया नहीं सुधारा गया तो रेवाड़ी के पत्रकार और भी कड़ा फैसला लेने को मजबूर होंगे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रिक रिपोर्ट। पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक हुई। सबसे पहले हमारे साथी प्रीतम जी की भाभी का निधन हुआ, उनके निधन पर सभी पत्रकारों ने शोक व्यक्त किया है। मीटिंग जब हुई तो कई मुद्दे सामने आए। नगर परिषद के चुनाव हुए, उस दौरान जिला प्रशासन की ओर से पत्रकारों को मतगणना केंद्र तक न तो सम्मानजनक तरीके से मतगणना केंद्र तक जाने दिया, न ही वहाँ उनके बैठने की उचित व्यवस्था की। इसके बाद कई इश्यू सामने आए। ये बात भी सामने आई कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिविल सर्जन महोदय ने ट्रॉमा सेंटर वे अस्पताल के बाहर इस तरह के बोर्ड लगवा दिए हैं कि उनकी अनुमति के बिना कोई फोटोग्राफी न की जाए पत्रकारों द्वारा। हम इस बात को लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं मान रहे हैं। जिला प्रशासन को भी, जिला प्रशासन के मुखिया डीसी साहब को भी इस बात से अवगत करा दिया था कि मतगणना केंद्र पर पत्रकारों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने ये भी कह दिया था कि डीसी साहब चार चार पाँच पाँच के ग्रुप में पत्रकारों को ले जा सकते हैं जिससे कोई अव्यवस्था भी ना हो। पत्रकारों की तरफ से हर तरह सहयोग किया गया, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से उतनी ही उपेक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त महोदय तक भी बात पहुंची, हुड्डा साहब ने भी कोई बात उनकी नहीं सुनी। उसके बाद में एक तीसरा इश्यू शिक्षा विभाग का आया। हमारे कुछ साथियों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के दुर्व्यवहार की बात सामने आई। इन सारे बिंदुओं पर जब हम गौर करते हैं तो ये बात सामने आती है कि पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन पत्रकारों की घोर उपेक्षा कर रहा है, सच तो ये अपमानित कर रहा है। आज की बैठक में हम सब ने जिला प्रशासन के खिलाफ इसी बात पर रोष व्यक्त किया है और हमारे इस रोष व्यक्त करने के पीछे मंशा यही है कि जिला प्रशासन अपनी भूमिका को बदले, लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकार साथियों का सम्मान करना सीखे। जब भी कभी जिला प्रशासन को सूचनाएं पहुंचाती है, रेवाड़ी का मीडिया भरपूर सहयोग करता है, लेकिन जिला प्रशासन को जब एक दिन उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है तो पत्रकारों के बैठने की भी सही व्यवस्था नहीं की जाती। हम सब इस बात के खिलाफ हैं और ये मांग करते हैं कि भविष्य में न तो पत्रकारों के खिलाफ जो है, न तो पत्रकारों के प्रति कोई दुर्व्यवहार होना चाहिए और न ही अस्पताल में इस तरह के बोर्ड लगने चाहिए कि आप फोटोग्राफी मनाएं। और ऐसे शिक्षा आज की बैठक में इन बहिष्कार, हमने जो रोष व्यक्त किया जिला प्रशासन की कार्यशैली को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर के, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन की दृष्टि में पत्रकारों की लगता है कोई गरिमा नहीं है और ना कोई इज्जत है। हमने प्रशासन को हर कदम पर, हर मौके पर और जहाँ भी जरूरत पड़ती है सहयोग किया है, लेकिन प्रशासन इस तरफ से पूरी तरह से लापरवाह है, उपेक्षापूर्ण है। इसके विरोध में ही हमारा आज का जो है ये बैठक हुई है और इस बैठक में हमने अपना रोष व्यक्त किया और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस बात को संज्ञान ले
और अपने जो रवैया उसको बदले। क्या उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए जिनके कारण से लापरवाही हुई? नहीं, हमने अपना विरोध दर्ज करा दिया है। अब ये जो हायर अथॉरिटीज है, जो जिला अधिकारी है, ये उनको सोचना है कि उन्होंने क्या करना है। अगर मैं प्रशासन संज्ञान नहीं लेता तो क्या करेंगे आज? नहीं, उसके बाद फिर हम साथी दोबारा से मीटिंग में बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, हमें अब अगला स्टेप क्या लेना है। हम सब एक है, अलग नहीं है। आज हम सब पत्रकार एक हैं। ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी जिसने पत्रकारों को ये धमकी दी है, अगर आप यहाँ पे कवरेज करेंगे तो आपके खिलाफ़ FIR करा देंगे। क्या चौथे स्तंभ के खिलाफ FIR हो सकती है? ऐसे क्या कोई अफसर धमकी दे सकता है? अफसर एक पब्लिक का सर्वेंट है और हम सरकार और पब्लिक के बीच का एक मीडिया है। मीडिया लोगों रहता है तो लोगों की आवाज़ भी उठाता है, उल्टा पत्रकारों को ही धमकी दी जा रही है। मीटिंग हुई है, उसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रकारों का आत्मसम्मान से जुड़ा मसला है, और चूंकि पत्रकार अपना पूरा समय समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरा समय वो देता है। अब सवाल आता है कि हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? पिछले दिनों चुनाव के दौरान जिस तरह से पत्रकारों की अनदेखी हुई, जानबूझकर की गई, जबकि इससे पहले प्रशासन को अवगत कराया जा चुका था, उसके बावजूद भी इग्नोर इस तरीके से किया जा रहा है जैसे पत्रकार की कोई अपनी मतलब कोई गरिमा नहीं बची हुई है। उसके लेकर हमने जो मीटिंग की और तमाम जो हमने फैसले लिए हैं उसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रशासन को कायदे से अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी चाहिए, और जो पत्रकारों का अपमान हुआ है उसका एहसास होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये यकीनन मानिए कि वो एक प्रकार से यहाँ डेमोक्रेसी को भी खतरा होगा और चौथे तंत्र उसको तंत्र को भी एक प्रकार से वो लोग नीचा दिखाना चाह रहे हैं। और सब पत्रकार भाई मिलके आगे भी हम लोग इसी मूवमेंट को आगे जारी रखेंगे, और आत्मसम्मान ही और स्वाभिमान ही हमारी असली लड़ाई होगी। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं। देखिए, आज जो मीटिंग हुई है पत्रकारों की, ये जो प्रशासन के खिलाफ जो रोष व्यक्त किया है पत्रकारों ने, क्योंकि पत्रकारों का सम्मान यहाँ नहीं किया जा रहा प्रशासन द्वारा, और इसकी आज घोर निंदा करते हुए ये फैसला लिया गया है। अब प्रशासन की खबरें जो है उनका बहिष्कार किया जाएगा, और आने वाले समय में अगर मैं प्रशासन ने संज्ञान नहीं लगा, और मीडिया क्योंकि चौथा स्तंभ होता है उसको मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। रेवाड़ी की मीडिया ने जिला प्रशासन को जितना सपोर्ट किया है शायद दूसरे जिलों में किसी ने किया होगा, लेकिन सबसे पहले स्थान जो रेवाड़ी का आता है, रेवाड़ी की मीडिया हमेशा प्रशासन के साथ रही है और उसका सहयोग करती रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की जो ये अपमानित करने वाली जो सामने घटना आई है मतगणना केंद्र पर, जो मीडिया के कर्मचारी बाहर खड़े रहे और खड़े होकर रिपोर्टिंग करते रहे, जबकि हर वार्ड का चुनाव जो था वो इतना पेचीदा बना हुआ था, हर जो यहाँ पे जो चेयरपर्सन का चुनाव था वो भी पेचीदा बना था, उसकी पल पल की जानकारी बाहर खड़े होकर मेरे पत्रकार भाई उसे अपडेट कर रहे थे, उसे ऊपर तक पहुँचा रहे थे, लेकिन प्रशासन का जो नकारात्मक रवैया सामने आया ना उसके आज खिलाफत की गई है। और अगर मैं प्रशासन इस बात को संज्ञान नहीं लेगा, पत्रकारों के मान सम्मान को ठेस जो पहुँची है उसका एहसास उसे नहीं होगा, अगर मैं प्रशासन इस बात को एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, वरना आने वाली अगले सप्ताह में जो फिर से मीटिंग होगी और उस मीटिंग में पूर्णतः प्रशासन का बहिष्कार किया जाएगा।